अब लड़कियां जरा जरा से कपड़े पहनकर आ जाती है, यहाँ काम खराब कर देती सब लड़कों का। Hey, what's up everyone? Hope you all are doing well. This is Saif Singh and welcome to the new video. Well, first of all, a very happy Women's Day to all the ladies out there. I hope that जिस तरीके से women empowerment हमारी country में हर एक चीज में काफी ज्यादा हाइक पर है, टॉप पर है एंड आप लोग जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हो, इनफैक्ट आई वुड लिटरली से फ्रॉम माई हार्ट दैट मेंस के कंपैरिजन में वुमेन काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है हर एक सेक्टर में एंड यू आर मेकिंग ऑल द इंडियंस प्राउड, सो जस्ट कीप इट अप। वेल, आज का वीडियो जो होने वाला है वो है टोटली बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरव्यू, जहाँ पे मैं आपको वन ऑन वन हमारी इंडियन मैन एंड इंडियन सोसाइटी की मेंटेलिटी बताऊंगा फॉर द वुमेन। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड लेट्स गो आउटसाइड। भाई, मंडे को 8th ऑफ मार्च को है वुमेन्स डे, तो एज अ यंगस्टर आप क्या सोचते हो कि हमारी जो इंडिया में इतने रेप केस होते हैं उसका क्या रीज़न है और कैसे हम हमारी वीमेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो एजुकेशन, क्योंकि देखो एजुकेशन ही दी जाती है, मतलब ये नहीं कर, मतलब बॉडी टच वॉडी टच ये सेक्स एजुकेशन मतलब प्रोवाइड करवानी चाहिए। और मतलब वुमेंस को थोड़ा वो दी जानी चाहिए क्लासेस की, आप कैसे अपने आप को डिफेंस कर सकते हो, डिफेंस क्लास प्रोवाइड करवानी चाहिए। जो आज की युवा पीढ़ी के मन में जो गंदगी भरी हुई है उसको बाहर निकालनी पड़ेगी सबसे पहले तो, और अपने काम पे फोकस करो ना, क्यों फालतू इन चीज़ों पे। ये बढ़िया था, ये चीज़ कम कर सकते हैं कि लड़का लड़कियाँ ना तो वो अपना छोटा कपड़े पहनते हैं ना, वो फुल कपड़ा पहने, तो इसकी वजह से अपन को थोड़ा राहत। अच्छा, ऐसी कौन सी वीमेन है जिसके बारे में आपने बहुत सुना हो या जो बहुत फेमस हो, जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी माँ। आपकी मम्मी, बहुत बढ़िया भाई। वो एक मेरी कॉम नहीं थी, उसको देख कर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मेरी कॉम से? यस। वो बहुत बंदी, बहुत मेरी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करती है और मुकाम तक पहुंचती है, उसका बेबी के लिए वो करती है, यानी कि बंदी ने बहुत ये की है, सेक्रीफाइस और स्ट्रगल भी होती है। अच्छा, क्या ऐसी तीन चीज़ें जो लड़कियों में सबसे ज़्यादा पसंद है? भाई बहुत अच्छा, क्या भाई से भी पूछना पड़ेगा। अब ये तो पसंद वाली तो कोई बात नहीं, अब वो भी अपने सच्चे बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा। मतलब नेचर हो गया, दूसरा और बताओ भाई, तुम भी बताओ, बोल देना। हाँ, नेचर, रहन सहन, वैसे लुक्स, अपने अच्छे रहे वैसे यूँ ना, एटीट्यूड ना वैसा ही, एटीट्यूड नहीं दिखा, खूबसूरती। हाँ ठीक है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। ओके, सेकंड उसकी आवाज। ओके, और थर्ड तो मेकअप। मेकअप पसंद है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़कियों में पसंद नहीं है या जो आप चाहते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कियों को? सबसे पहले तो छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। छोटे कपड़े? जी, जो मतलब छोटे कपड़े पहन के ये उधर अपनी बेहुदा हरकत दिखाती है ये वो, इससे क्या है, लड़के फिर लड़के तो लड़के होते हैं, मेन विल बी मेन तो उनका ही काम कराएंगे। खाली छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ये बात सही है। वुमेन्स का इस सोसाइटी में क्या रोल है? वुमेन्स का सबसे बड़ा रोल ये है कि माँ, बहन, पति, पत्नी, बच्चे, पति, पत्नी, सब, पति भी बना दिया तूने, पत्नी, 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 हाँ हाँ, तो सबसे बड़ा रोल है उनका, है ना, और बंदी के बिना तो जीवन अधूरा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। देखिए, आज तो देखा जाए, आज तो मतलब पहले से काफी अलग है, पहले जो है वुमेन्स को इतना वो नहीं करते थे सपोर्ट, आजकल काफी अलग है। वुमेन्स देखिए मेंस के बराबर सब अपनी सोसाइटी में कंधे से कंधा मिला के, इक्वालिटी मतलब बढ़ गई है पहले से। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताइए कि अगर अपने यहाँ से विमेंस अगर चले जाए हमेशा के लिए तो क्या रह जाएगा, मतलब लड़कों का एग्जिस्टेंस कैसा रहेगा फिर? नहीं, फिर लड़कों का एग्जिस्टेंस क्या रहेगा अब यार, एक्चुअली उसको वल्गर शब्द में तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एक्चुअली वल्गर ही हो जाएगा ना सीधा, कि अगर सब यहाँ से चले गए, वुमेंस चली गई, तो फिर भैया सबको गली ऊंचा ही देखना पड़ेगा। अपने अपने घर जाओ। अपने अपने घर जाओ और बाकी जो करना है वो करते रहो। जो करना है वो करते रहो। इनकम्प्लीट है लाइफ एकदम, इमेजिन नहीं कर सकते वुमेंस के बिना। तो आप लोगों की क्या राय है आजकल जो हमारी सोसाइटी में लड़कियों को लेके, क्या आप सोचते हो कि ये लड़कों से अच्छा काम कर सकती है कि नहीं, अगर हम फ्यूचर की बात करें? नहीं।
लड़कियां तो काम करती हैं, लेकिन लड़कियां जो कपड़े पहनती हैं उसके हिसाब से उनको हिसाब में रहना चाहिए थोड़ा। उससे क्या है, पब्लिक की बढ़त होगी, अच्छे लोग आएंगे। अब लड़कियां जरा जरा से कपड़े पहन कर आ जाती है, वहाँ काम ख़राब कर देती सब लड़कों का। तो कम से कम आप को ध्यान रखना चाहिए, किसी जगह जा रहे हैं तो अपन कैसे कपड़े पहने। ले सकती भाई, ले सकती है ना, ले सकती है, मगर कपड़ों के हिसाब से पहने तो आजाद है, कपड़े पहनने की तो नहीं ले सकता। आजाद है कपड़े पहनने की तो नहीं ले सकता। ऐसा कुछ नहीं है, अपन एक बराबर मानते हैं, लड़की को भी लड़का को भी बराबर का सम्मान देते हैं आजकल के माँ बाप। लड़का हो या लड़की हो, एक ही मानते हैं आजकल। कोई वो नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। क्या मैसेज देना चाहते हो आप अपने इंडिया की और ऑल ओवर वर्ल्ड की वुमेन्स? कहना चाहूँगा कि वुमेंस डे को मोम को सपने के लिए देना चाहूँगा। मैं लाइफ में सबसे बड़ी जो पहली चीज़ वही आती है कि अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता मोम के बारे में, अब कर दूंगा तो फिर वो तो करना। हाँ ये कर लो पहले। फर्स्ट हमेशा ये रहेगा कि गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। First respects always to lady or woman or girl. So that's all about in this video. यहाँ पे हमने हर एक चीज कवर करी है जो कि क्वेश्चन आपके माइंड में कभी ना कभी आया होगा रिलेटेड टू द मेंटेलिटी ऑफ इंडियन मैन। यहाँ पे काफी सारी चीजों से आप एग्री भी करते होगे, एंड जो आपको अच्छी नहीं लगी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दैट कौन सी चीज से आप डिसएग्री करते हो या कौन सी चीज आपको अच्छी लगी। सो इट विल मेक मी फील गुड दैट आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। विद दैट ऐसी और भी वीडियोस आगे आने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर करना। टिल देन मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ काफी जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।